जहाँ पर आपके रेंज में होगा, आपका जो भी मार्क्स होगा या कुछ भी चीज होगी तो रेंज में होगा, वो रेंज में आएगा। अब रेंज में कैसा आया, जैसे आपके वेजेस ऑफ वर्कर, ये एग्जाम्पल से एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ वर्कर, या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। इसमें प्रॉब्लम आ चुकी कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चार एग्जाम्पल दे दिए इसमें, वेजेस ऑफ वर्कर इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल पाइथन नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल ये आ चुका है कि वेजेस ऑफ वर्कर किसका एग्जाम्पल है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/σ√2π e की पावर माइनस एक्स माइनस न्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2σ² 1/σ√2π। अब ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, 1/σ√2π e की पावर माइनस एक्स माइनस न्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2σ². न्यू क्या है भाई, मीन, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो यहां पर एक्स है वो किस किसके बीच में वेरी करता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आता है एक्स का वैल्यू। यहाँ पर जो एक्स है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो पैरामीटर होता है, बाई पैरामीटर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, मतलब मीन और वेरियंस इसके पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, मीन एंड वेरियंस। तो पहली चीज तो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक आपका बेल शेप कर्व होता है, इस तरह का कर्व होता है, ये बेल शेप कर्व, ये बेल शेप कर्व। यहां पर बिल्कुल मिडिल ऑफ की बात करें, यहां पर जेड इक्वल टू जीरो, जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, जेड इक्वल टू एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, ये मिडिल पार्ट है। अब इस जगह पर ये है आपका जेड इक्वल टू -1 एंड +1, कितना एरिया होता है भाई बताओ, याद तो होगा किसी को, कितना एरिया होता है, ये आएगा बेटा, ये पूछा जाएगा, -1 से +1 के बीच का एरिया बताओ। बिल्कुल सही है, 68.73, 73 तो याद नहीं आ रहा मुझे, 2.27 याद आ रहा मुझे, 73 नहीं होगा यार, गलत बोल रहे हो तुम, 68.27 भाई मुझे 73 याद नहीं है, लिखा हुआ नहीं है किसकी बात, बाकी किसी को पता है कितना एरिया होता है, 68.28 हो सकता है, 28 या 27 के आसपास है। 27, 68.27। हाँ मुझे याद है ना, 68.27 इसलिए तो बोला था, अब ऐसे तो याद रहता है मुझे, एरिया 2.27% एरिया, ये आपका इसको बोलते हैं न्यू प्लस माइनस सिग्मा, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 और -1 है, इसलिए वैल्यू आएगी म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा। बेटा ये वैल्यू याद रखो, जिसने पहले गलत बताई थी 68.73 वो गलत है, तो ये वैल्यू याद रखो आप, 68.27% एरिया -1 और +1 के बीच का एरिया। अब जेड इक्वल टू -2 और जेड इक्वल टू +2, कौन बताएगा ये कितना परसेंट एरिया है, 95.45। बिल्कुल सही है, 95.45% एरिया।
म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा, इधर भी लिखता चलता हूँ, म्यू प्लस माइनस सिग्मा 68.27%, म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा 95.45%, और फिर लास्ट है जेड इक्वल टू माइनस थ्री और प्लस थ्री, जेड इक्वल टू माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा 99, अब जो तुम बोल रहे थे ना 73 वो यहाँ आएगा 99.73% एरिया, 99.73% एरिया, ये तीन एरिया होते हैं भाई, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ के आएगा 68.27, 95.45% और 99.73% एरिया, 99.73% एरिया, दीज आर द एरिया। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, याद रखना पड़ेगा तीनों एरिया, आ चुका है तीस तीस तीसरा वाला तो आ चुका, म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा तो आ चुका, ये कितना एरिया होता है। अच्छा एक चीज और समझिए, ये पूरा आपका वन है, यहां से यहां तक आपको 0.5 और ये 0.5 0.5 0.5, तो टोटल वन। तो पहली चीज ये याद रखो, क्योंकि ये इस पे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो ये तो हो गई भाई कर्व की बात। अब ये कर्व को देखते कैसे, मैं यही बता देता हूँ तुम्हें। एक होता बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बायोमेट्रिक उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, जैसे फाइव के, फाइव के, फाइव के का मतलब होता है पी एक्स इज लेस देन जेड इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब जैसे ये कर गए आपको नॉर्मल कर, ये जेड इक्वल टू जीरो, सपोज ये जेड इक्वल टू के, तो के और के से पहले तक का पूरा एरिया दिस इज कॉल्ड फाइव के, ये एरिया आपका फाइव के है। फाइव के का मतलब है के से पहले तक का पूरा एरिया, उससे लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एरिया, इसको फाइव के बोलेंगे। जैसे कभी आ गया फाइव वन, तो फाइव वन का मतलब क्या है, फाइव वन का मतलब है जैसे ये कर लेंगे आप ऐसे बनाएंगे, ये जेड इक्वल टू जीरो, ये जेड इक्वल टू वन, तो ये वन से पहले तक का पूरा एरिया दिस इज कॉल्ड फाइव वन, इसको हम फाइव वन बोलेंगे, ये फाइव वन पहले, ये क्लियर है बेटा, फाइव वन बायोमेट्रिक का क्लियर है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, के का वैल्यू नेगेटिव है तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप के पॉजिटिव मानो, अभी के पॉजिटिव है तो फाइव माइनस के दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन माइनस फाइव, फाइव माइनस के दिस इज इक्वल टू वन माइनस फाइव। यदि कभी के नेगेटिव आ जाए तो के हमेशा के डिनोट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू से, इधर आ जाए ना दिक्कत आ गई, तो फाइव माइनस के हो गया वन माइनस फाइव के, के तो वन माइनस फाइव। ऐसे तो क्या होता है भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितना एरिया, जैसे ये वाला एरिया इधर समझ लो, ये आपका नॉर्मल कर्व है, ये जीरो है, तब वो यहाँ पर बोल रहा है जेड इक्वल टू वन और यहाँ बोल रहा है जेड इक्वल टू माइनस वन, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया यहाँ से यहाँ तक का होगा, सिमेट्रिकल एरिया, मतलब ये एरिया बिल्कुल दोनों सेम एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जितना एरिया होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का एरिया, क्योंकि माइनस वन और प्लस वन इसलिए सिमेट्रिकल एरिया। चलो बताइए ये कर्व वाली बात सबको समझ में आ गई, कर्व क्लियर है, चलो तो ये तो हो गया बायोमेट्रिक का। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज चलो चाहे तो अपन स्प्रिंग प्रॉब्लम कर सकते हैं बायोमेट्रिक का, पे कैसे आ सकती है इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे इसको किस तरह की प्रॉब्लम आएगी ये देखो,
आपको गिवन है जेड इक्वल टू जीरो टू वन, जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन इज 0.3413, ये एरिया गिवन है और मुझे 5-1 की वैल्यू निकालनी है। तो जीरो से वन के बीच का एरिया है 0.3413, मुझे 5-1 निकालना है। बिना देखे बताओ कितना एरिया हो, कितना वैल्यू आएगा, बड़ा इजी है। और यदि दिक्कत आ रही है तो कर बना लो। देखो देखो ये हमें जीरो से वन के बीच का एरिया जो है मुझे निकालना है 5-1। 5-1 का मतलब मुझे पूरा एरिया निकालना है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का कितना एरिया होता है, 0.5। 0.5 में जीरो से वन का बीच का एरिया हटा दो, एड कर दो, तो 0.5 प्लस 0.3413 कितना आ गया, तो 0.8413। बस ये आंसर आ गया 5। ये आपका आंसर आ गया 0.8413। आया समझ। तो पाई 0 टू 1 के बीच का एरिया 0.3413 और उससे पहले का एरिया 0.5, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 0.8413 होगा। और देखो भाई, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत इसमें ही आ रही थी कि भाई सर वो हमें समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हो। जैसे मैं तो पहले मैं कर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो इजीली हो जाएगी, प्रॉपर्टीज में दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी में तो बस फॉर्मूले याद करो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मैं कर की बात इसलिए कर रहा हूँ, जैसे आपसे बोला है एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 एंड वेरियंस 100। हमें निकालना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और 5-1 की वैल्यू वही 0.3413 की है, सॉरी 0.8413। 5-1 अभी निकाला था हमने, 0.8413 वो आपको गिवन। अब देखो यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो सबसे पहले एक्स को जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने जेड बोला था आपका एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। x का वैल्यू कितना है 60, म्यू का वैल्यू अपॉन 100, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 100 क्यों, सिग्मा तो चाहिए ही 1 वेरियंस, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविजन तो चाहिए ही, तो जेड कितना हो गया 1। तो मुझे निकालना है p x की जगह आ जाएगा जेड जेड देन इक्वल टू 1। ये x की जगह z लाने का तरीका है भाई, आपको बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो x को आपको पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा z में। तो z है आपका x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x है आपका 60, म्यू लिख दिया सिग्मा लिख दिया, तो 60 की जगह 1 आ गया, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज समझ में आई बेटा, ये समझ में आया x को z में कन्वर्ट करना। जब x को z में कन्वर्ट करेंगे तो 61 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ध्यान से समझना, ये कर्व रफ कर्व बन गया, ये 0 ये 1, तो मुझे z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ये निकालना बाहर का एरिया, 1 और 1 से ज्यादा का एरिया, तो 1 से पहले का एरिया कितना है 5-1। अच्छा टोटल एरिया कितना है पूरे कर्व पर, तो 1 में से यदि मैं ये 5-1 हटा दूं, ये वाला एरिया हटा दूं, ये क्या है, तो आपका बाउंडेड एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे भाई टोटल एरिया 1 है और 1 से पहले का एरिया हटा दो तो बाहर वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बस यही तो निकालना था। ये कर्व की प्रॉब्लम है जो तुम्हें दिक्कत आ रही है। 1 माइनस करो 5-1 को माइनस करो भाई, 1 माइनस 0.8413 कितना आ रहा है 1587.1587, ये इसका आंसर आ गया। बेटा ये वाली प्रॉब्लम जिसको नहीं समझ में आई वो मुझसे पूछ सकता है दोबारा ऑनलाइन, तुम दोनों को आ गए ऑनलाइन। ये मैंने z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे निकाला है, किसी को दिक्कत आ रही है तो अपना माइक स्टार्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो बेटा आगे किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। कर वाली प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको।
यदि आपको ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि कर वाली प्रॉब्लम ऐसे निकलती है सारी। किसी को दिक्कत है बेटा, बोलिए। अरे हाँ या ना में तो जवाब दे दो। अब जैसे ये मेरे से नाराज है कि सर आप देखते नहीं हो, मुझे तो आज पता लगा कि यार पूरी दिन में इतना सोच रहा है। तो मेरे है ना मैसेज देखेंगे, इतने मैसेज भरे पड़े रहते हैं डाउट के लिए। डाउट को हर एक बताता हूँ, डाउट में नहीं है, डाउट में नहीं छोड़ती, लेकिन मैसेज इतने आते हैं कि पॉसिबल हो ही नहीं पाते। ये भाई टेंथ है, इलेवंथ है, ट्वेल्थ है, ये फाउंडेशन के भी अपने पर्सनल भी है, तू जानता है। जैसे योमकर का भाई है, तो तेने आज तक नहीं बताया मुझे, तू जानता मुझे आ गया कहा है ग्रेड तुम्हारा उनका है, क्या कर रहा है आपको, मेरे से बड़ा हुआ है वो। बहुत छोटी दुनिया है, तो क्या मैं खा गया तुम तो वापस तो क्या क्यों नहीं गया, तुम तो क्या क्यों नहीं गया तो भी तो पढ़ा रहे थे। फिर बाबा वो तो बाहर आ गए ना, बाहर आ तो गए वापस आ। चलिए भाई देखो और लिखते हैं, और कर वाली प्रॉब्लम बताता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें यूज करना आ जाए। एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएबल, एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएबल विद मीन इक्वल टू 25। तो उनका कैसे चल रहा है, बात नहीं होती तुम्हारी किसी की, हमारे दोस्तों से वहां जो है सही चल रहा है। NSD 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सच दैट, क्योंकि मैं तो किसी से भी कॉन्टेक्ट में नहीं हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरवल 2.525, बी is 0.4772 given 52 is equal to 0.9772। देखना ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, लेकिन कर्व समझ में आ गया आपको तो ये वाली प्रॉब्लम बड़ी इजीली हो जाएगी। अब देखो एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएबल, इसका वैल्यू ये है, ये क्लोज इंटरवल का मतलब है। देखो जब समझो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 लेस देन इक्वल टू बी, इसका वैल्यू है 0.47। इसका मतलब ये, अब बेटा 25 को आप जेड में कन्वर्ट करो, जेड की वैल्यू क्या आएगी 25 की, 25 माइनस 25 अपॉन 10 जीरो आ रही है, फिर बी माइनस 25 अपॉन 10, ये बी की वैल्यू आ गई भाई जेड में। ये दोनों वैल्यू कैसे निकाली, किसी को दिक्कत है इसमें भाई, 25 की वैल्यू ये आएगी और बी की वैल्यू ये आएगी, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, तो 25 माइनस 25 अपॉन 10 जीरो, फिर बी माइनस 25 अपॉन 10। ये समझना आया मैंने जेड में कैसे कन्वर्ट किया एक्स को, बेटा किसी को डाउट है इसमें x को z में कैसे कन्वर्ट किया, इसमें किसी को डाउट है बोलो ना भाई। मैंने वो अंदर पूछा जिसे इक्वल टू 0.4772, अब देखो सर, अब यदि आपको ग्राफ समझ में आ गया तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है। देखो सर ये करो,
ये जेड इक्वल टू जीरो, और मैं जेड इक्वल टू ये मान लेता हूँ वी माइनस 25 अपॉन सेवन, ये वैल्यू कितनी है, किसके इक्वल है, पॉइंट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, करो एट कितना हुआ बोलो, और 0.9772 किसकी वैल्यू है, पाई टू की, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, टू की। अरे भाई पाई टू की वैल्यू है आपकी 0.9772, और 0.5 और 0.4772 को ऐड कर रहे हो तो 0.9772 आ रहा, इसका मतलब बी माइनस 25 अपॉन 10 टू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बेटा जवाब दीजिए, 0.5 और 0.4772 ऐड करेंगे तो 0.9772 आ रहा है, और ये 0.9772 आ रहा है पाई टू के इक्वल, तो इसका मतलब बी माइनस 25 अपॉन 10 टू के इक्वल होगी, क्योंकि पाई टू, तो पाई टू मतलब टू से पहले का पूरा एरिया, इसका मतलब ये टू के इक्वल हो गया, तो बी माइनस 25 अपॉन 10 इक्वल टू, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 45। बस मैंने बोला ना कर्व को रीड करना आना चाहिए, कर्व कैसे रीड करते हैं, यदि कर्व को रीड करना, कर्व बनाना आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है, ये इतनी इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं था, ये प्रॉब्लम समझ में आई, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो बोल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा, किसी को भी ऑनलाइन भी किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। और देखो समझने का सबसे बढ़िया तरीका, अपना माइक स्टार्ट करो और पूछो जो जो तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक मिनट, और वैसे तो फिर दिक्कत आएगी यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए बोल रहा हूँ, यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे आया, बेटा एक बार माइक स्टार्ट करके जवाब पूछ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। बेटा एक मिनट, एक मिनट, अब मैं तेरे को समझाता हूँ, आपको पाई टू क्या दिया, ये वाला एरिया कितना गिवन है, और ये एरिया कितना आ रहा है, अरे रुक तो सही, पहले मेरी बेली बात का ध्यान दीजिए, ये एरिया कितना आ रहा है तेरा, इसका मतलब टू की जगह क्या आ रहा है, तो मैंने उधर का पूरा थोड़ी लिया, मैंने तो यहाँ तक कर लिया ना, पूरा कर लिया मैं, तो टू से पहले तक का ले रहा हूँ और इससे पहले तक का ले रहा हूँ, तो इससे पहले तक का एरिया आ रहा है आपका 0.9772, और इससे पहले का भी एरिया 0.9772, तो कुल मिला के बात ये बी माइनस 25/10 किसके इक्वल, टू के इक्वल। बोलिए भैया आप में से किसी को डाउट, अरे हाँ या ना तो बोल दो एक बार, मुझे भी पता लग जाए कि मेरे घर में तुम्हारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे नहीं है तो वैसे बोल रहे सब ठीक है। तो ये कर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं अभी आज यही ले रहा हूँ ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो दिक्कत आ रही है ये आप क्लियर कर लो, एक और ले रहा हूँ जस्ट एक और प्रॉब्लम इसी टाइप की ले रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, फिर आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा इजी प्रॉब्लम थे आप आज तक हमने करे क्यों नहीं ये समझ नहीं आया। द डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक लास्ट प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज ऑफ वर्कर्स इज नॉन टू बी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मीन गिवन है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 100, इफ द वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स आर लेस देन 430, लेस देन 430, 100 वर्कर्स, टोटल वर्कर अभी पता नहीं है हमें, टोटल वर्कर्स निकालने, 100 वर्कर्स की सैलरी 430 से कम है, तो एक्चुअली लेस देन 430 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, क्योंकि प्रॉब्लिटी यही है, तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है, ये जो लिखा है ये समझ में आया, 430 से कम सैलरी वाले 100 लोग हैं, कितने में से पता नहीं, तो मैंने एन मान लिया 100 बाई, ये समझ में आया क्या, बोलिए। उसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स
हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं और 100 लोगों की सैलरी आपकी 430 से कम है। अच्छा 5.7 की वैल्यू गिवन है आपको, गिवन 5.7 इक्वल टू 0.75 ये हमें इसकी वैल्यू दी है, ठीक है। अब देखना भाई बड़ा इजी है, पहले x को z में कन्वर्ट करोगे, 430 माइनस 500 करो, 430 माइनस 500 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा, -0.7 आ गया। क्या ये समझ में आया, x को z में कन्वर्ट कर दिया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब चाहो तो आप यहां पर ही सोल्व कर सकते हो, या फिर आप बोलो तो जेड इज लेस देन का मतलब मैंने अभी बताया था 5, जेड लेस देन कभी भी होगा तो 5 में कन्वर्ट हो जाता है। लेस देन का मतलब 5, जेड लेस देन कभी भी आएगा तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 0.7 हो गया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 5 माइनस के क्या होता है, 1 माइनस 5 की याद है, एक मेथड तो ये, अभी दूसरा मेथड भी बता दूं। ये पहला मेथड जेड लेस देन है, तो जेड लेस देन का मतलब 5 माइनस 0.7, माइनस का मतलब होता है 1 माइनस 5, 5.7 की वैल्यू कितनी है, 0.758, 1 में से माइनस करो 0.242, एन की वैल्यू निकालो 0.242 अपॉन 100 डिवाइड बाय 0.242 निकालो, कितना आ रहा, 100 डिवाइड बाय 0.242 कितना आ रहा, तो 413। कितने वर्कर्स थे भाई, 413। ये तो पहला मेथड है, ये तो हमारा पहला मेथड है, बिल्कुल आराम से समझो, कहीं भी दिक्कत आए तो बोलो। बेटा पहले स्पेलिंग से एक्स को जेड में कन्वर्ट किया, किसी को दिक्कत है, एक्स को जेड में कन्वर्ट किया किसी को दिक्कत है, बोलिए। नहीं इसका मतलब लेस देन का मतलब होता है 5, तो 5 माइनस 0.7 हो गया, और फिर मैंने बोला 5 माइनस क्या होता है, 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5.7 हो गया, 5.7 का मतलब 0.758, बस उसको सोल्व कर लीजिए। फिर किसी ने बोला सर मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बना के बताता हूँ फिर, चलो इसको नहीं आया किसी को समझ में छोड़ दो, करो बना इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ये रहा -0.7, मुझे निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना, और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये वाले एरिया की गिवन है, यहां से हम अब देखो समझा रहा हूं, जितना एरिया इधर होता है उतना ही एरिया इधर होता है, तो ये एरिया और ये एरिया सेम है, ये एरिया और ये एरिया सेम है। अब देखो ये तो है 0.5, तो 0.5 में से ये वाला एरिया कितना बचा, 0.5 माइनस करना जो 0.75 है। अब ये थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है लेकिन मैं बताऊं, 0.25 है, लेकिन 0.25, तो ये भी कितना होगा, अब यहां से यहां तक 0.5 है, 0.5 में से 0.25 माइनस करो, कैसे करो समझ में आया, आपने बोला यहां से यहां तक का एरिया है 0.75, ये है 0.5, तो ये कितना बचा, तो ये भी 0.25 है, तो मुझे तो ये वाला एरिया निकालना, तो माइनस कर देगा 0.25, ठीक है। वैसे तो पहला वाला ही ज्यादा बढ़िया था, लेकिन ये ऐसा भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट कर से भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह की प्रॉब्लम कभी आ जाए तो आपको ये करना पड़ेगा, करो बनाना पड़ेगा,
चलिए अब हम जो हमारे हमारा जिसका आने के चांसेस है वो बात करते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट पार्ट इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, चलो बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है एन न्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल, इसका ध्यान रखना भाई, स्टैंडर्ड नॉर्मल ये होता है बेटा 0.1, 0.1, मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, और अगली जो वैल्यूज इनको लिखवा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे प्रॉब्लम आ सकती है और आ चुकी है पहले। 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 PD, इस पर कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन होता है SD, MD और PD का, 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 PD। अब वो एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मेरे को देख के भाई किसी के पास जाना नया मतलब स्कैनर हो तो उस पर एक प्रॉब्लम गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इस तरह की 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 PD, मतलब कुछ रिलेशन गिवन था, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो क्वेश्चन, लेकिन इस वाले पर ये वाली प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसको हो सकता है, तो ये वाले पर कुछ भी प्रॉब्लम बन सकती है, मैं ढूंढ के मैं तुम्हें देख दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है वाला क्वेश्चन। तो 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 PD। थर्ड, फर्स्ट क्वार्टाइल म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, थर्ड क्वार्टाइल म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो गया 0.675 सिग्मा। म्यू Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 थर्ड क्वार्टाइल म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, तो क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 0.675 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन को और क्या बोलते हैं बता, एक और नाम है क्वार्टाइल डेविएशन का, कौन बताएगा? क्वार्टाइल डेविएशन का एक और नाम होता है, अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या पहले तो ये बताओ, फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का? अपॉन 2, वेरी गुड, Q3 - Q1/2, दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्या नाम होता है भाई, कोई तो बताओ, किसी को तो याद होगा, सेकंड चैप्टर पढ़ा था, इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो अभी लास्ट में लिख रहे हैं वो सही है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इसलिए क्योंकि डिवाइड बाई 2 है, तो इसको बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा Q3 + Q1/2 क्या होता है? गलत, Q3 + Q1/2 क्या होता है? मीडियन होता है बेटा, तरुण बिल्कुल सही बोल रहा है, मीडियन, मीडियन, इसलिए जब QD का फॉर्मूला बनता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बनता है तो फिर हम बोलते हैं QD/MD × 100, तब जाके ये बनता है, इसलिए ये फॉर्मूला भी होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए जो पुराने वाले हैं, क्लियर है? ये क्लियर है भाई जो मैंने बताया? तो ये थर्ड आपका हो गया Q1 और Q3। फिर फोर्थ फॉर्मूला मीन डेविएशन,
0.8 सिग्मा, मीन डेविएशन इक्वल टू 0.8 सिग्मा। अच्छा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन कितना होगा? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन कितना होगा? ओनली 0.8, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 1 है वहां। अब आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे 0.8 सिग्मा। अब वो जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, स्टैंडर्ड तो देखता नहीं, नॉर्मल समझता उसको, और वो आंसर 0.8 सिग्मा लगा के आ जाता। तो आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है कि नॉर्मल लिखा है। स्टैंडर्ड नॉर्मल लिखा होगा तो मीन डेविएशन होगा 0.8, और यदि नॉर्मल लिखा होगा तो 0.8 सिग्मा, दोनों में अंतर ये होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ये है आपका म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में माइनस वन एंड प्लस वन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में माइनस वन एंड प्लस वन, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी, x follows normal distribution mu 1 comma sigma 1 square, y follows normal distribution mu 2 comma sigma 2 square, तो mean आपका जो आपका इनका x plus y आएगा वो आएगा mu 1 plus mu 2 और sigma 1 square plus sigma 2 square, तो mu हो गया mu 1 plus mu 2 और standard deviation हो गया आपका under root of सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू। ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आ गया आपका म्यू वन प्लस म्यू टू और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। क्लियर है? बस प्रॉपर्टी ये इतनी है भाई, और कोई प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा एक चीज और याद रखना भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस जीरो होती है। स्क्यूनेस मतलब कितना आपका सिमेट्रिकल होता है ना, इसलिए स्क्यूनेस क्या होती है, जीरो। स्क्यूनेस इक्वल टू जीरो ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस जीरो होती है, ये आपको याद रखना। अब एक ना मैं एक टेबल बना के भेजूंगा तुम्हें, मोमेंट सेंट्रल मोमेंट होते हैं, कभी कभी उसके प्रॉब्लम आ जाती है, वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक स्पेशल के लिए क्लास ले लूंगा, 15 मिनट की क्लास है, लेकिन वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट तो मीन डेविएशन होता है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट आपका वेरियंस होता है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट आपका स्क्यूनेस होता है और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट आपका कर्टेसिस होता है। ये चार होते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में अलग से क्लास ले लेंगे, उसको इम्पोर्टेंट क्लास डाल के या उसका उसका मतलब आपको पूरा बना के भेज दूंगा, तो वो याद करना पड़ेगा आपको, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो कभी कभी पूछ लेगा, कभी कभी किसी ने स्कैनर किया होगा तो उसने पूछा होगा, देखो याद होगा किसी को, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट निकालो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का या थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकालो, ऐसा क्वेश्चन होगा 100% किसी ने क्या होगा, तो इसके बारे में तुम्हें अलग से डिस्कस करेंगे। भाई अब प्रॉपर्टीज तो यही है, अब इस पर प्रॉब्लम कैसे बनती है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बनती है, इनमें तो कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी गिवन होगा और आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक कर्व गिवन है आपको, बस कर्व को कंपेयर करना आना चाहिए भैया, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम दी थी तुम्हें टेस्ट में भी, बस कर्व कंपेयर करना आना चाहिए आपको। जैसे देखो, जैसे मैंने आपसे बोल रहा है e माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन रूट पाई, ये गिवन है भैया। अब इस पर कुछ भी पूछ लेगा, वो फर्स्ट क्वार्टाइल पूछ लेगा, क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब पहले तो कंपेयर करो, म्यू है हमारा 4
और नीचे होता है 2 सिग्मा स्क्वायर, तो 2 सिग्मा स्क्वायर के यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 सिग्मा स्क्वायर हो गया 1, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 1/2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1/2। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? 1/2। बोलो क्लियर है ये चीज भाई? ओनली एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर अपॉन कुछ भी नहीं है, तो अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर होता है। देखो एक्चुअल फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ, 1 अपॉन सिग्मा अनरूट 2 पाई e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू हो गया 4 और यहाँ 1 है, तो 2 सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। क्या ये कंपेयर करना आ गया? 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सिग्मा की वैल्यू 1/2। बस अब आगे कुछ भी पूछो, क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला याद हो गया तो सब कुछ निकालो, चाहे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन निकालना हो चाहे कुछ भी निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आया ये समझ में? बोलिए भाई, समझ में आ गया? अब सब मेरे को इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोल दिया, तो 1/√2 की वैल्यू निकालना कितनी आ गई? 1/√2 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? √2 निकालो और डिवाइड टू इक्वल टू कर दो, कितना आ रहा? यही आ रहा है 0.707 और म्यू है 4 इंटू 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। कितना निकाला? कितना आ रहा है? बस 17.67, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, क्लियर? और देखो जैसे आपके मॉड्यूल के कुछ प्रॉब्लम बता देता हूँ ताकि आपको भी कंफर्टेबल फील करे। जैसे 2 क्वार्टाइल गिवन है आपको, 14.6 एंड 25.4, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। इफ 2 क्वार्टाइल्स आर 14.6 एंड 25.4, तो 2 क्वार्टाइल का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल 14.6, थर्ड क्वार्टाइल 25.4, दोनों को एड कर दो एक बार, तो 2 म्यू इक्वल टू 40 हो गया, तो म्यू की वैल्यू 20 आ गई, म्यू की वैल्यू 20 आ गई। अब म्यू की वैल्यू रख दो 20 माइनस 14.6, 0.675 सिग्मा 5.4 डिवाइड बाई 0.675, कितना आ गया? 8 आ गया। और उसके बाद कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछ सकता है उसके बाद भाई। हमने म्यू और सिग्मा निकालना जरूरी है, उसके बाद तो आप, यदि आपसे पूछा मीन डेविएशन क्या होगा तो 0.8 सिग्मा 6.4, ठीक है? यदि वो आपसे बोले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा तो 12 और 28 म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, कुछ भी पूछो उसके बाद तो क्या फर्क पड़ता है। क्वाड्रेंट डेविएशन पूछेगा तो 0.675 सिग्मा, ठीक है? फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। आया ये समझ में? बोलिए बेटा, आ गया ये समझ में? जवाब दीजिए। और देखो, अब जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है भाई, एक जगह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको गिवन है, निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, निकालना है किसका? निकालना है कर्व गिवन है, 1/4√2π e की पावर माइनस एक्स माइनस टेन का होल स्क्वायर अपॉन 32। तो बेटा बताइए म्यू कितना होगा और 2 सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है? तो सिग्मा स्क्वायर 16 हो गया, तो सिग्मा कितना हो गया? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो गया? सिग्मा अपॉन म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन म्यू इनटू 100, कितना आ गया? स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 40 हो गया। बस कंपेयर करना आना चाहिए। क्या करो को कंपेयर कर लेंगे आप सब? ऊपर से कंपेयर करेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ई की पावर में जो लिखा हुआ है वहां से कंपेयर करेंगे हम, जो भी है। यहां से यहां को तो देखना भी नहीं है आपको,
इस चीज को तो देखना भी नहीं है, आप यहां से कंपेयर करना है। एक्स माइनस जो भी लिखा होगा वो म्यू होगा और अपॉन में जो भी होगा वो सिग्मा होगा। अब जैसे मैंने आपको, अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं, समझ गए, वन अपॉन जो भी है यहाँ पर, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मैंने लिख दिया ही, चलो देखते हैं भाई कैसे कंपेयर करते हैं। बोलो म्यू टेन टू सिग्मा स्क्वायर, वन ही है, वन बाई टू है, यही तो गड़बड़ है, टू वो नीचे नहीं जाएगा जैसे, अरे एक्स माइनस म्यू का हो टेन का और स्क्वायर के आगे टू आ रहा है, तो बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं आता था, इसको नीचे लेके आओ तो ये वन बाई टू है तो, इसलिए वन बाई टू, यही गलती करते, ये समझ में आया, अरे मैंने लिखा था टू एक्स माइनस टेन का होल स्क्वायर, तो टू नीचे जाएगा तो वन बाई टू, इसका मतलब टू सिग्मा स्क्वायर वन बाई टू के इक्वल, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया वन बाई फोर, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया वन बाई टू, यही तो गलती करता, वो डायरेक्ट वन के इक्वेट करोगे तो गलत आएगा। अरे ये समझ में आया, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल समझ में आया क्या, बोलिए, बस हो गया, यही था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ सही नहीं, और बोलो, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अभी भी दिक्कत है, क्लियर है, बस इस तरह की प्रॉब्लम चाहिए एक दिन, इवनिंग में अपन करेंगे, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ही हो पाएगा, इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा, देखो डिफरेंशिएशन कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे तो परसों का भी मैं बता देता हूँ, परसों सुबह इंटीग्रेशन ले लेंगे अपन 12 बजे, और परसों भी ले लेते हैं, चलो क्लास कोई बात नहीं, इस वीक तो ले लेते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि एक बार वापस से सर वो करवा दो चैप्टर नंबर 4, कुछ लोगों की फिर डिमांड आ गई क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक बार चैप्टर नंबर 4 दोबारा से करवा देंगे, तो इस वीक में ले लेते हैं अपन संडे तक, संडे के बाद फिर अपन नहीं लेंगे क्योंकि फिर मतलब भी नहीं लेंगे, संडे लास्ट है, संडे तक ले लेता हूँ मैं क्लास, है ना, कल नहीं ले पाऊंगा, बस उसके बाद संडे तक मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है।